पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से नाखुश स्थानीय लोग व बाबरी मंडी व्यापारी, केस दर्ज होने पर भी खुलेआम घूम रहे आरोपी। बाबरी मंडी में NCRCA धरना प्रदर्शन में हुए घायलों को मुआवजा न मिलने पर व शिकायत दर्ज लोगों पर भी अभी तक कार्रवाई न किए जाने पर बाजार बंद का ऐलान। मांगों को लेकर बाजार बंद है, क्या है पूरा मामला? जो टीचर लड़ाई हुई थी बाबरी मंडी में, उस समय पहले उसको लेकर ही बाजार को बंद किया गया है, क्योंकि जो हमारे लोग घायल हुए हैं। लोगों द्वारा आह्वान किया गया था कि बाजार बंद रखेंगे, तो कोई जबरदस्ती बाजार बंद ना करा पाया, इस वजह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और कोई जबरदस्ती नहीं। किस तरह के बाजार बंद कराने की बात कर रही थी, किस लिए? उनकी मांग है कि जो 3 महीने पहले वो दंगा हुआ था, उसमें कुछ लोग अभियुक्त रह गए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। सर, वहाँ कुछ ये भी सुनने में आया है कि हिंदू मुस्लिम में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी नहीं की गई है। वो विवेचना की जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारियाँ की गई हैं और आगे भी की जाएंगी। बाबरी मंडी बजरिया क्षेत्र में कल कुछ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि व्यापारियों द्वारा बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर पब्लिक की सुरक्षा और जो व्यापारी दुकान खोलना चाहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और RAF की तैनाती की गई है। सर, वहाँ पर कुछ लोगों ने तख्ती भी लगा रखी है कि बाजार बंद करें, तो क्या जबरन लोगों के साथ बाजार बंद किया जा रहा? नहीं, जबरन बाजार बंद करने की कोई ऐसी बात नहीं समय प्रकाश में आई है और हमारी फोर्स तैनात है। कोई दुकानदार दुकान खोलना चाहता है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।